बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल के फजल व करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक जी। तो माशाल्लाह बहुत खुशी का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दिन में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना प्यारा दिन हमें दिया हुआ है कि हर अमीर गरीब एक जैसे होते हैं। सबके घरों में नए नए पकवान पकड़े हैं मज़ेदार, और सब नए नए कपड़े पहने हुए हैं। गलियों मोहल्लों में रश है माशाल्लाह से। तो बहुत ही मज़ा आता है देख के। तो बच्चे भी बहुत खुश हैं, आपस में कज़न मिलके बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं, फुल मस्ती हो रही है माशाल्लाह से। और जी, तो कुर्बानी हमारी हो गई थी, तो कलेजी का सालन मैं बना रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो भी बनाऊँ, आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो यहाँ 5 मिनट तक कलेजी रेडी हो जाएगी। तो माशाल्लाह कुर्बानी बड़ी थी, तो कलेजी भी जो उसकी अब बड़ी है ज़्यादा थी। तो बड़ा चम्मच लिया है, बड़े देश के बना रही हूँ, और बनाते हुए और हिलाते हुए पता चल रहा है कि काफ़ी मेहनत है जी। तो यहाँ हम खाना देंगे भी सबको, सब खाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया हुआ है। तो ये बड़े बर्तन में भेजेंगे जो कसाई थे, और उनके साथ घर वाले भी हैं, मेहमान भी हैं, सब गोश्त बना रहे हैं, बांट रहे हैं, पैकिंग हो रही है उसकी अच्छे तरीके से माशाल्लाह से। तो अभी उनको खाना देंगे जी। तो जो नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और बहुत बहुत फिर से मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। और ये वीडियो मैंने बनाई है ईद वाले दिन, लेकिन अपलोड आज करूँगी क्योंकि टाइम नहीं था मिला, बहुत बिजी थे तो इस वजह से टाइम नहीं मिला अपलोड करने का। तो आज मैं करूँगी जी। तो ये यहाँ पे इसे रेडी कर दिया, भेज देंगे जिन्होंने खाना है। और मैं आपसे और एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे घर में जब कुर्बानी होती है तो कैसे होती है, क्या तरतीब है, क्या तौर तरीक़े हमारे घर में जी। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं, मैंने बस थोड़ी सी बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए कि 2 किलो गोश्त है, साफ़ सुथरा, इसमें कोई हड्डियाँ नहीं, कोई चर्बी नहीं, कि मतलब लोगों को गांधी, लोगों के घर में बंदा गांधी भेजते, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। माशाल्लाह से साफ़ सुथरा है, और जो इसके ऊपर होते हैं पैकिंग करने के लिए, हमारे घर वाले बहुत एहतियात से, बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, माशाल्लाह साफ़ सफाई से ये काम करते हैं। तो माशाल्लाह से 2-2 किलो ये गोश्त है, ये पैक हो रहा है, ये देखें 2 किलो शॉपिंग में। हम गली मोहल्ले में किराएदार हैं, हमसाए हैं, तो रिश्तेदार हैं, सबको एक ही नज़र से और एक ही तरीके से सबको माशाल्लाह दिया जाता है जी। तो यहाँ पे मैं रात का टाइम अभी हो गया हुआ है, 10 बजे है, तो मैं ये हमारे लगी थी नली का सालन, नलियाँ का जो थी वो बहुत पसंद है सबको, तो इसलिए उनका सालन बनने लगी हूँ। सुबह नाश्ते में सब हम फैमिली वाले इकट्ठे होंगे, मेहमान भी हैं जो माशाल्लाह सुबह नाश्ता करेंगे, तो बहुत पसंद है सबको। तो यहाँ मैंने प्याज लिया है, और मेरे पास लहसुन है, इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें डाला है क्योंकि वो उसमें जो हुदी ब्राउन का ऑयल निकल आता है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी जी। तो ये हल्का फ्राई तो हो गया है जी। तो यहाँ मैं 2 गिलास पानी के डाल दूँगी ताकि मसाला जो लहसुन और प्याज है अच्छे तरीके से पीस जाए, सही हो जाए जी। तो यहाँ मैं इसमें मिर्ची डालूँगी, सिर्फ मिर्ची, तकरीबन मैंने इसमें 12 चम्मच मिर्ची डालनी है क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सालन बनना है, तो इस के हिसाब से फिर डालनी है, कहीं कम ना हो जाए। तो ये भी नहीं कि ज़्यादा भी ना हो कि खाई भी ना जाए। तो चम्मच जो नमक है वो मैं डालूँगी 6 चम्मच इसमें, और 1 चम्मच हल्दी का डाल दूँगी। नमक कम या ज़्यादा हो तो मसला हो जाता है, कम हो तो फिर बाद में हम और डाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। तो देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, प्याज और लहसुन जी। तब मैं इसे बड़े मैंने पतीले में डाल दिया है क्योंकि प्रेशर में बस मसाले को भूना है और बनाया है कि वो अच्छे तरीके से गल जाए जी। तो ये देखिए भी मैं इसमें सारी नलियाँ डाल दी हैं,
तो अभी इनको हिलाने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल से हिलाऊंगी इनको, मतलब हिलाया नहीं जा रहा ना, तो अभी देखते हैं, हिला रही हूँ ताकि इनका मसाला मिक्स हो, थोड़ी सी ये भून लूँगी, फिर इनको मैं इन्हें पानी डाल दूँगी। जी तो ये ऐसे तो नहीं हिल रही चम्मच के साथ, तो अभी मैं अपने हाथों से इनको ऐसे हिलाऊंगी ताकि अच्छी तरह से जो मसाला इसे मिक्स हो जाए। जी तो कोशिश की है मैंने, माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये मिक्स हो गया हुआ है। जी तो अभी मैं इसमें पानी डाल दूंगी, फुल मैं इसे पानी का पतीला भर दूंगी। जी तो ये देखिए माशाल्लाह से फूल मैंने भर दिया, जितनी ज़रूरत थी उस हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है ताकि इसमें अच्छे तरीके से गल जाए, पकते भी मैं इनको ढक दूँगी। और रात के 10 बजे हैं तो मैं सुबह इनको, जी तो सुबह मैंने इनको तकरीबन 10:30 बजे, अभी 10:30 हो गए हैं, तो अभी मैंने फ्लेम बंद नहीं किया, नीचे से हल्का सा चल रहा है, तो मैंने जी तो इसमें मैंने धनिया डाल दिया है और गरम मसाला डाल दूंगी। और माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। और नमक मैंने चखा था तो थोड़ा कम था, नमक मैंने इसमें और डाला है और माशाल्लाह से भी ठीक हो गया है। जी तो ये देखें माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये गल गई हैं और बहुत ही माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये बन गई हुई हैं, बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इन्हें निकाल लूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो अभी मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, अभी मैं जी तो मैंने इसमें डिश में निकाल दिया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़ेदार और हमारे घर में बहुत पसंद है, हमारे घर में नहीं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों को ये बहुत पसंद है। जी तो माशाल्लाह देखें आप, देखने में बहुत मज़ेदार लग रहा है और है भी मज़े का। जी तो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, देखें आप अच्छे तरीके से गल गई हैं ये बिल्कुल, और बहुत ही मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़, बहुत से दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आबाद रहें।